आप सब में से जो भी सेट पे लोग मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा ये गुस्सा थोड़ा ज्यादा किसका है कंपैरेटिवली? थोड़ा गुस्से का टेस्ट कौन है? डायरेक्टर साहब का कह सकती हूँ। उनका भी हम पांचों में पहले मैं क्लियर कर दूं, फैसल जो है ना बड़ा एक फन लविंग आदमी है, मेरा दोस्त भी है, यार भी है, मैंने बहुत काम किया है और फैसल इज लाइक ब्रदर टू मी, फैमिली का हिस्सा मेरे। लेकिन फैसल गलत बात पे गुस्सा करता है, वैसे वो इसको वो तासो गलत ना चला जाए। हाँ अच्छा, सेट पे कौन गुस्सा करता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे जवाब है जो अचानक कुछ दबंग हो जाती है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, अजीब सा माहौल करना चाह रहा। अच्छा ओके ओके, ये जो स्वीटी स्वीटी लविंग केयरिंग, मैं आपके लिए केक लेकर आया हूँ या आई हूँ, समोसे खाएंगे, ये कौन है आप पांचों में? ये मेरे लिए याद क्यों है? क्योंकि रमजान में हम शूट कर रहे थे तो एक घर से लाया था पकौड़े, लव पकौड़े, तो मैंने खाया ना, तो मुझे इतने पसंद आए, तो रमजान भी खत्म हो गया, बीच में मेरा ऐसी दिल कर रहा था, बोल रहा था अभी मैं अभी मंगवा लेता हूँ सेट पे, तो मतलब फौरन से ना फौरन बोल कर मैंने इसको बोला कि एक खाओगे तुम्हारा हाथ नहीं रुकेगा। और इसका हाथ नहीं रुका, नहीं रुका, वाकई मैं खाता चला मेरे साथ, मेरा असिस्टेंट होता है। अच्छा उसके हाथ में जादू है, वो पकोड़े भी डाइट पकोड़े फुल ऑफ प्रोटीन। अच्छा ये इसमें ना निदा, इनमें ममता है, ममता झलकती है साथ में। हाँ वो खाना पीने जैसे माँ प्यार करने, लो कोई बात नहीं, ये है एंजॉय करें, एंजॉय सही है भाई, स्वीट साइड है। आपकी सही डेफिनेशन पता चल गई हमें। हाँ ये कौन है? ये सामने बाप, हाँ जी सीन के मैं सीन कर रहा हूँ, रनिंग सीन में सोई हुई। नहीं सबसे अच्छा हाँ कि लाइट सेट हो रही है बस में अभी, पांच मिनट का भी नहीं, ये तो हो गया ना, ले लेती है। अच्छा नहीं ये तो हो गई पांच, मैं तो एक सीन हमारा अलग एक सीन चल रहा था, मैं जिसमें बाकी कास्ट नहीं थी। अब आप जाहिर एक मास्टर शॉट लेते हैं, अब आपका सोलो हो रहा है तो कैमरे ने पैन करके आना था, वो कहीं इन्होंने सुना नहीं। अब मैं ये खड़ा हूँ, मैं बैक पे जवाब ने इन होना है, कैमरा ऑन, लाइट एक्शन हो गया, कैमरा यूं आया तो जवाब पीछे सो रही है, कट। वो बज जाए कि गुस्सा करे सब हंस पड़े। मुझे किसी ने बताया नहीं, बंदा बहुत फ्रेश फील करता है पांच मिनट। सही बात है, यू नो नैप। लेकिन ये मैं बोलूंगा कि जो, लेकिन ये बात है जो एनर्जी फिर सीन में आई हुई होती है ना, वो वाकई फिर वो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि अक्सर जो है लोगों को नींद नहीं आती, और खास अभी जब सेट पे आप मुझे अभी बोल रहे हैं तुम्हारे पास पांच मिनट है तो मैं यहाँ पे भी नहीं लेस्ट हो यार, तो अभी सोच आप लोग बातें करते हैं तो मैं सोच रही थी मैंने घर जाके सोना है, एक मिनट दिमाग ये देखती है ना कैमरा पीछे। अल्लाह यार ये तो बड़ा टैलेंट है यार ये, वैसे तो क्या करूं। ओके हाँ, हंसी का किसी को दौरा पड़ जाए तो वो बंद नहीं होना, हाँ मतलब लाइक छोटी सी बात पे भी ज्यादा हंसी आ जाती है, मेरी नजर में तो कोई नहीं, कोई भी नहीं है, कोई इतना पागल आई थिंक है, लेकिन वो पागल सी आपके ड्रामे का नाम तो है ना, क्या सनकी हो गए, हंसता कोई नहीं, नहीं ऐसे कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा कॉमेडी ड्रामा करते तो हम लोगों को तो बहुत दौरे पड़ जाते थे, कभी हम नादानिया की शूट कर रहे होते थे तो हमसे सीन ही नहीं रिकॉर्ड होता था, हंसी का दौरा इतना पड़ जाता था कि वो कर ही नहीं पाते थे। रोतू कौन है? हाँ ये थोड़ी है, हाँ मैं भी हीरा की तरफ, हीरा देखो मैं रो पड़ती है, मेजॉरिटी इज अ थोड़ी मुन्नी बच्ची, तो नहीं है बहुत सेंसिटिव है, मैंने इसको एक दो दफा देखा है तो बहुत जल्दी इसको फिर इतना मैं दिल पे थोड़ा था, क्यों कह रहे हो साफ कह रहे हो, ज्यादा गुस्सा भी आता है कुछ तो तुम्हें रोना आता है, तो मुझे मैं एकदम से बड़ी, मैं अभी मैं हमारा ओएसटी देख रही थी तो मुझे रोना आना शुरू हो गया, आई वाज सो इमोशनल, आई वाज सो हैप्पी टू सी इट, सो आई थिंक दैट्स माय मीडियम टू एक्सप्रेस इमोशन। हां सही है भाई, ओके हां। अच्छा अक्सर लोगों की अलग पर्सनालिटी होती है, कुछ लोग वैसे आम तौर पे आम जिंदगी में शाय होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं थोड़े से, लाइक इतने ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं और थोड़ा शाय होते हैं, आप पांचों में से कौन है ऐसा? तो सब आपस में ठीक है, आई थिंक मैं तो अपना नाम लूंगी, मैं घुलती मिलती नहीं हूँ लेकिन मैं शायद बिल्कुल भी नहीं। अच्छा यस हां, लोगों से साथ भी ऐसे, आई थिंक उमर भाई भी ऐसे हैं, मैं भी कुछ ऐसी हूं, एवरीबॉडी टेक्स देयर टाइम, हां ये सब थोड़े थोड़े हमें टीवी पे आई थिंक लोगों को लगता है कि बड़ी आउटस्पोकन और इस तरह से, बट अब रियल लाइफ में जब भी जाके लोगों से बैठेंगे थोड़ा टाइम लेते हैं, इवन बाबर सिर विल यू नो ही विल
but he warms up very quickly to new people to make them feel comfortable and everything. हाँ. But सब अपना अपना time लेते हैं. यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ तू सुना क्या हो रहा है. हाँ नहीं 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 ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे. अच्छा अच्छा. Okay. दूसरों की birthday celebrate करना, dates याद रखना. ड्रामा कब शुरू हुआ था? ड्रामा पैकअप हो रहा है. सेलिब्रेशन मोड में हर वक्त कौन रहता है? आई थिंक नो वन. ये मेरे इस सेट पे हुआ नहीं है, बट यूजुअली मैं जिंदगी में हूँ ऐसी. अच्छा. बड़ा शौक है बर्थडे मनाने का. हाँ वैसे अभी अभी फैसल सर की आ रही है बर्थडे, बट मुझे पता था कि अभी मुहर्रम है तो हम वी कैन नॉट डू इट. इतने टाइम में हम से किसी की बर्थडे नहीं आई. वैसे ये सेट में आके गुजर गई, बताया किसी ने नहीं. एक्सक्यूज मी, मेरी बर्थडे आई थी सेट पे. बताया किसी ने नहीं? नहीं किसी ने. हां मेरी गुजर गई सेट पे. मेरी तो आनी है अभी. मैं तो सच देखो मुझे तो नहीं पता. तो ऐलान नहीं कि तो उस दिन शूटिंग नहीं थी तुम्हारी. मैं चली गई थी छुट्टी लेके. अच्छा. तीन दिन थी. तो फिर हम कैसे करेंगे सेलिब्रेट बताएं? हाँ तो मैं चली गई. यार ये मैं बताऊं, ये होता है. मैं अपनी अगर बताऊं तो मुझे अपनी बीवी का और बच्चों का याद है. अच्छा. उसके अलावा मुझे नहीं पता. मुझे आज तक किसी की बर्थडे एक, एक दो मेरी किसी की भी मुझे जिसने क्लास 3 में भी बताया था ना कि उसकी बर्थडे होती है इस डेट को, पता नहीं वो मेरे जहन में क्यों है. और मैं मेरी एक टीचर है, वो मेरी 12 साल पुरानी टीचर है, मैं उनको अभी भी मैसेज कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे. पता नहीं मुझे क्यों आपकी ये बर्थडे याद है, बट मुझे याद रहती है बर्थडे. इंस्टा फेसबुक वगैरह की वजह से काफी हो चुका है तब तक. वो हर वक्त थोड़ा सा बीमार कौन रहता है? इम्यून सिस्टम किसका वीक है यहाँ पे? बीच में जो मौसम चेंज हुआ था, ये वाला उसमें तो सभी थोड़े थोड़े हुए थे. ये है, रहती है बीमार. सॉफ्ट इन लाना. हाँ, छींके आ रही हैं. आज गले में थोड़ी खराश सी हो रही है यार. बट ऑल्सो वे फ्रॉम लाहौर, सो कराची का खाना इज वंडरफुल एवरीथिंग. बट कभी कभी यू नो यू ओवर डू थिंग्स. हम दोनों आपस में यही बात कर रहे हैं कि यार ना कुछ मसला हुआ है. हाँ. कुछ पेट में मसला चल रहा है. हाँ. तो हम लोग बड़े इम्यून है. कराची वाले बहुत इम्यून है. हम लोग गंदा खाना खा खा के. और हाँ अच्छा, किसको चुप कराना जरा मुश्किल है? मेरे अलावा छोड़ के आप लोग अपने आप को पता बोलता बहुत ज्यादा कौन है? लाइक आई थिंक फन है. नहीं मैं तो नहीं ज्यादा कौन. नहीं नहीं सभी अपने आप में है. मैं जैसे बोला ना, इतनी बात होनी नहीं है. सुना उतना ही है जितना जितनी बात होती. हां ज्यादा बोलना तारा साहब. हां वो तो मुझे भी पता है ना. और उनकी अपनी प्रेजेंस है. बिल्कुल. मेरे तो फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं ना इसमें, तो मेरी उनके साथ एक डिफरेंट ही बॉन्ड, एक डिफरेंट बॉन्ड. मेरी उनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है सेट पे, और मुझे वो कल पूछे तुम हमारे ड्रामे में. अच्छा मैं पास ही खड़ा था. मैंने कहा शायद मजाक कर रहे हैं. तुम किसी और सेट से आई हो या तुमने कहीं जाना है? उनसे इतनी मिली नहीं, मैं उनको इतना क्लोजली जानती नहीं हूँ, तो मुझे लगा ये शायद मतलब भूल गए हैं. नहीं नहीं बहुत अच्छे. शरारती कौन है आप पांचों में से? एक्चुअली नेचर वाइज कोई शरारत नहीं, सब बोरिंग है. ये नहीं कहो यार. ये है थोड़ा थोड़ा ही. कभी किसी की बेल नहीं बजाई. नहीं नहीं नहीं. टायर नहीं पंचर किया. नहीं मतलब ये तो वो एक पुराने दौर की बातें. तो क्या बता दे, बता दो भाई. साथ भी हैं, ये भी है. मैं तो अभी भी लोगों के घरों की बेल बजाती हूँ. थोड़ी बहुत तो चल रही है. मूड अपलिफ्ट करने के लिए कभी बार ऐसी. मैं तो जब भी लाहौर जाती हूँ, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो मतलब दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम डिफेंस के हर घर घर बेल बजा के भागते हैं. डिफेंस के लोग सुन ले, जुबान दाना कभी भी आपके घर के बाहर आ सकती है, बेल बजा सकती है हर घर की. सेट पे ना आ जाए और बहुत मजा आता है. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.